नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 14 क्लासें हो चुकी है। प्रत्येक क्लास में हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा। आज हमारी 15 नंबर क्लास रहेगी। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बंध उपस्थित होते हैं? CH4 में, या फिर KCl में, या फिर SO2 में, या फिर NaOH में? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही बंध पाए जाते हैं। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारत का कौन से परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? कलपकम, नरोरा, रावतभाटा, तारापुरा? तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कलपकम, यानी जो कि तमिलनाडु में है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत का परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचायक एवं अपचायक होना है? MnO2, या फिर SO2, या फिर Cl, या फिर KMnO4? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा SO2, जो उपचायक भी है और अपचायक भी है, ठीक है, दोनों के रूप में है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, शुद्ध जल विद्युत का सहन नहीं करता क्योंकि वह उदासीन होता है, या फिर वास्तविक रूप से विघटित, या फिर करीब करीब अनआयनिक, या फिर पूर्णतः आयनिक? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उदासीन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो कोई भी गैसीय माध्यम है तो उसमें ध्वनि की चाल है वो √YP/D होती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये पूरे पे रूट है इस प्रकार से, ठीक है, YP/D इस प्रकार से है ये। अगला क्वेश्चन देखो अभी, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लोहे की चादर पर कौन सी धातु ज़्यादा सुरक्षित आवरण बनाती है? ऑप्शन है Zn, यानी जिंक, NiNickel, Sn, या फिर Cu, कॉपर? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लोहे की चादर पर Zn, यानी जस्ता, जिंक, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लवण विलयन का pOH 6 है तो आपका यहाँ पे बताना है उसका pH कितना होगा। अगर pOH 6 है तो उसका pH कितना होगा? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 8 होगा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से जल में कोलाइडी विलयन बनता है? ग्लूकोज से, स्टारच से, सोडियम क्लोराइड से, या फिर यूरिया? तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टारच का आपको रासायनिक फॉर्मूला बताना है क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होगा C6H10O5, और इनकी यहाँ पे ब्रैकेट में लग जाएगा N, ठीक है, N लग जाएगा, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C6H10O5 और ब्रैकेट बंद और उसके बाद में N लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 10 नंबर क्वेश्चन देखो, कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? इथेन, या फिर मीथेन, या फिर एलिलिन, या फिर एसिटिलिन? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एसिटिलीन, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर एसिटिलीन
हाइड्रोकार्बन देता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँ, जैसे कि CaC2 है, CaC2 है, उसको कैल्शियम कार्बाइड है, उसको H2O यानी जल के साथ प्रतिक्रिया करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है, तो क्या बनेगा अपने पास में, C2H2 बन जाएगा और प्लस में क्या बन जाएगा, CaO बन जाएगा, ठीक है, CaO। तो C2H2 ये क्या है, एसिटिलीन है, ठीक है, एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कार्बनिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह है सम्मिलित है, कौन सा क्रियात्मक समूह है सम्मिलित है, तो C double O H यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रिशुद्धिकरण, आसवन, वल्केनाइजेशन या फिर कार्बनाइजेशन। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वल्केनाइजेशन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अभी 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर प्राप्त होता है उदासीन घोल, अम्लीय घोल या फिर क्षारीय घोल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्षारीय घोल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ, भी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हो जाएगा CaOCl2 यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर यौगिक, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अधातु, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं होते हैं अधातु होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉनों को किसी उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है, अवकरण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं, तो 16 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील साधारणता किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसके कारण संक्षारण को रोकता है, कार्बन के कारण, गंधक के कारण या फिर मैग्नीज के कारण या फिर क्रोमियम के कारण, तो क्रोमियम के कारण वो संक्षारण को रोक पाता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है अमोनिया नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है, NO या फिर NO2, N2O या फिर N2O5, तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम गर्म करेंगे तो अपने पास में N2O यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हमें प्राप्त होंगे। और N2O को हम क्या बोलते हैं, हंसी उत्पन्न करने वाले गैस भी बोलते हैं, जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, इसका उपयोग है वो बेहोशी करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्नलिखित अम्लों में से सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल या फिर क्लोरो एसिटिक अम्ल, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक प्रोपियोनिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से जल अपघटन में एमिनो अम्ल प्राप्त होता है, चर्बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रोटीन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन में निम्न प्राप्त होता है, तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा C2H6 यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, C2H6 क्या होता है, भी इथेन होता है, ठीक है ना,
C2H6 इथेन बोला जाता है इसको, और केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, क्वेश्चन है फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो आपका राइट आंसर होगा KCl। KCl यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थायोसल्फेट क्वेश्चन है। थायोसल्फेट आयन का I2 के साथ यानी आयोडीन के से उपचयन करने पर निम्न प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हो जाएगा S4O6-2। S4O6-2 यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर थायोसल्फेट आयन का I2 यानी आयोडीन के साथ उपचयन करने पर अपने पास में S4O6 और -2 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो अभी 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है फेलिंग विलियन व बेनेडिक्ट विलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर निम्न प्राप्त होता है, तो अपने पास में जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा Cu2O यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा अपने दोस्तों, लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहिएगा, ताकि अन्य दोस्त जुड़े, अन्य दोस्तों को भी क्लास का लाभ मिल सके, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए भी, ठीक है, और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो लाइक और शेयर करते रहिएगा क्लास को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंच जाए और आप तुरंत तो उसका लाभ उठा सको। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पदार्थ का कौन सा पदार्थ एक स्थायी चुंबक है? ब्रास या फिर तांबा या फिर मुलायम लोहा या फिर स्टील? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मुलायम लोहा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड के निम्न विलयनों में से किसकी विशिष्ट चालकता सबसे कम होती है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा NaCl में। NaCl में जो विशिष्ट चालकता है वो सबसे कम होती है, कितनी होती है? 0.001 मोलरता होती है, ठीक है, एक एम है वो मोलरता को दर्शा रहा है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, K3FeCN6 में उपस्थित आयनों की संख्या निम्न है, कितने आयनों उपस्थित हैं भी इसमें? तो 4 आयन उपस्थित है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एल्कोहलीय क्षारीय विलयन की एक्लाइन हेलाइड से क्रिया में मुख्य रूप से निम्न होता है, योग, निष्काशन, प्रतिस्थापन, आयनीकरण। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रतिस्थापन, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है 2 पेंटेनॉल व 3 पेंटेनॉल में निम्न द्वारा अंतर किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आइडोफॉर्म प्रतिक्रिया के द्वारा हम इसमें अंतर कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आइडोफॉर्म क्या होता है? एक पीले रंग का रवेदार पदार्थ है, एक पीले रंग का रवेदार पदार्थ है जिसमें एक तरह की गंध होती है, यह जल में अघुलनशील परंतु एल्कोहल एवं ईथर में घुलनशील होता है, और यह ऊर्ध्वपातित होता है, यह एक तीव्र कीटाणुनाशक पदार्थ है, अतः जीवाणुनाशक की तरह इसका उपयोग दवा में होता है, आइडोफोरम प्रतिक्रिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा यौगिक पानी की भाप में वाष्पित होता है? फिनोल या फिर पेरा नाइट्रोफिनोल या फिर मेटा नाइट्रोफिनोल या फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल? तो आपका राइट आंसर होगा पेरा नाइट्रोफिनोल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, क्वेश्चन है एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी, पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हुई थी, तो एक हीलियम है जो कि एक निष्क्रिय गैस है जिसे HE से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखो भी, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? प्रिस्टले, बॉयल, कैवेंडिश
क्यूरी। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइड्रोजन का आविष्कार है वो कैवेंडिश ने किया था, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर पूछ ले कब किया था तो 1766 में किया गया था। देन उसके बाद में बात करता हूँ प्रिस्टले की, तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ओ2 की खोज है वो प्रिस्टले ने की थी कब, 1700 बताया जाता है 72 से 74 के बीच में, 72 से 74 के बीच में प्रिस्टले ने। उसके बाद में बात करता हूँ क्यूरी की, तो क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, रेडियम की खोज है वो क्यूरी ने की थी कब की थी, तो 1898 में, 1898 में क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी भी, ठीक है। तैन उसके बाद में बोयल के द्वारा गैसीय नियम का प्रतिपादन किया गया था भी, बोयल ने गैसीय नियम का प्रतिपादन किया। अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, 34 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक उष्मायन के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर सीएनजी। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अपनी अभिक्रिया में C2H2 दर्शाता है, ऑक्सीकारी गुणधर्म, अपचायक गुणधर्म, आधारभूत गुणधर्म या फिर अम्लीय गुणधर्म। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अम्लीय गुणधर्म, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है औद्योगिक प्रक्रम, ईंधन दहन, परिवहन, ठोस अपशिष्ट का निपटान। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत वो हो जाएगा परिवहन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह शुद्ध पुषप होता है, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक ब्लेड। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ZNO, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन है संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं, सोडियम स्टीयरेट या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट या फिर सोडियम। तो आपका राइट आंसर होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, शौच घरों और मूत्रालयों से प्राप्त वाहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट या फिर औद्योगिक अपशिष्ट या फिर कूड़ा कचरा या फिर मलजल। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा स्वच्छता अपशिष्ट, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है, तो अधिकतम अनुमत जो सांद्रता है वो 200 हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है विद्युत परिष्करण के दौरान, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है, बर्तन या फिर विद्युत अपघट्य या फिर कैथोड या फिर एनोड। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा एनोड, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है अधिकांश ईंधन कार्बनिक यौगिक होते हैं, फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या फिर सल्फर के साथ। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जैव उर्वरक कौन सा है, यूरिया, एंजियोस्पर्म या फिर कंपोस्ट या फिर सुपर फॉस्फेट। तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंपोस्ट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जैव उर्वरक है वो कंपोस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, नेप्थलीन, फ्यूरान, बेंजीन, एंथ्रेसीन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्यूरान, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है या फिर प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा 45 नंबर क्वेश्चन में वो हो जाएगा साबुन बनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती, किस पे निर्भर नहीं करती भाई? अभिक्रिया के ताप पर या फिर उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, या फिर अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, या फिर चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई या फिर स्थिर आयतन पर। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है तो वो उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है, कुछ समय के बाद अप्रभावी हो जाता है, या फिर प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता, या फिर दूसरों से कम प्रभावी, या फिर इसकी अधिक लागत। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा प्रकृति में सरलता से निष्करण नहीं होता, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, ग्रीन हाउस गैस है CO2 CH4 NO तथा CFC। 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा CO2 CH4 NO तथा CFC, ये ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती है। 48 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है किसी रेडियोष्क्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? 6 महीनों में, या फिर 8 महीने में, या फिर 12 महीनों में, या फिर 4 महीनों में? तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 8 महीने में, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दाहक सोडा कौन सा होता है, दाहक सोडा कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा पार्श्ववेदी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पार्श्ववेदी है वो एक दाहक सोडा के अंतर्गत आता है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज के क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।